केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने व पशुपालन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान चलाकर पशुओं में होने वाले खतरनाक बीमारी ब्रूसेलोसिस से बचने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत अकेले हरियाणा राज्य में 4 से 8 माह के मादा बछड़ियों व कटड़ियों को 290,150 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के प्रथम चरण के तहत टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इस बारे में भिवानी जिला के गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने बताया कि अभियान के तहत 4 से 8 महीने की उम्र की सभी मादा बछड़ियों व कटड़ियों का ब्रूसेलोसिस बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के पशु चिकित्सकों की निगरानी में गठित टीमों द्वारा आने वाले 1 साल के अंदर 3 चरणों में चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मादा बछड़ियों व कटड़ियों का टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग करके भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल इंसाफ पर पंजीकृत भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रूसेलोसिस एक जीवाणु जनित खतरनाक लाइलाज पशु जन्य जूनोटिक रोग है। पशुओं से इंसानों में भी फैल सकती है, जिससे मनुष्य लंबे समय तक संक्रमित रहता है। ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। पशुपालन विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके तहत किया जा रहा है। ये ब्रूसेलोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है और ये बड़ी घातक है। अगर पशु के माध्यम से इंसानों में आ जाए तो इंसानों में बांझपन भी ला देती है और जो इंसानों के डॉक्टर हैं वो जल्दी से इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए केंद्र सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है NADCP के तहत, इसमें 2030 तक अगर सही इसी हिसाब से चलता रहा तो इस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसमें हरियाणा में 290,150 टीके लगने हैं जो 4 से 8 महीने की कटड़ियाँ या बछड़ियाँ उनके टीके लगाए जाते हैं, बड़े पशुओं के नहीं लगाए जाते। और अगर मैं अकेले भिवानी ज़िले की बात करूं तो भिवानी ज़िले में 29,900 डोज इसकी लगाई जाएंगी ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि ये बीमारी एक बार ये वैक्सीनेशन होने के बाद सदा के लिए उस पशु से ख़त्म हो जाती है। मैं पशुपालकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी 4 से 8 महीने की कटड़ियाँ हैं उन कटड़ियों के टीकाकरण अवश्य करवाएं। दूसरा, इस टीके के लगने के बाद हमारे पशुपालन विभाग की टीम तो पूरी सेफ्टी के साथ ये वैक्सीनेशन का कार्य करती है, लेकिन पशुपालक को भी वहाँ जहाँ टीका लगाया जाए, खाल के नीचे लगाया जाता है, उसको रगड़े ना, मसड़े ना।